आपकी बिल्डिंग का इस्तेमाल किया गया। दंगा फैलाने की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, बारिश पठान जैसे लोगों की है। दंगा फैलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने कभी इस तरह की हरकत न करी है न कर सकते हैं। हमने हमेशा से भाईचारे का पैगाम दिया है, अमन कमेटी चला के लोगों का अमन शांति कायम करने का काम किया है। ये पुराना रिकॉर्ड हमारा उठा के देख लीजिए, उस दिन भी मैंने दंगे को रोकने का ही काम किया है, क्योंकि उस वहां पे जो बिल्डिंग है, जो छत है, वो सिर्फ मेरी ही एक बिल्डिंग ऐसी है जहां पे लोग ऊपर चढ़ सकते थे, और साइडों में जो सामने की तरफ बहुत सारे मकान थे जहां पे ऑलरेडी बहुत लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, वो भी वीडियो आपने देखी होंगी। और जितना मैं रोक सकता था मैंने वहां अपनी बिल्डिंग से छत पे चढ़ने से लोगों को रोका। सबसे पहले हमारे जो अंदर हमारे वर्कर थे उन सबने मिलकर जो गेट लगा हुआ गेट को रोका, लेकिन गेट तोड़ के लोग अंदर चले गए, ऊपर चढ़ गए, और फिर मुझे खुद डंडा लेके वहां से दो तरह के काम करने पड़े। एक तो कोई अंदर ना जा पाए, और जितना मुझसे हो चुका वहां से वापस उनको नीचे भेजा, ऊपर से भी उतारा। और इसी बीच क्योंकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी, साइडों में आग लगी हुई थी, मेरी पत्नी ने भी खुद वहां पानी लेके बाल्टियों में पाइप लगा के वहां साइड में पार्किंग बुझाई। उस तरफ लेफ्ट साइड में भी जो हमारे हिंदू भाइयों के घर थे उन्होंने भी छतों से पानी डाला, जिससे उस आग पे कंट्रोल हुआ था, क्योंकि वो पार्किंग थी, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी वहां पे। कुछ भी ब्लास्ट होने के बाद हम सब मारे जाते। हमने दंगे को रोकने का काम किया है। 24 तारीख को 11:30 बजे पूरी बिल्डिंग की तलाशी करा के सीनियर अफसर डॉक्टर AK सिंगला साहब, ज्वाइंट CP हमारे आलोक जी, और वहां पे बहुत सारी पुलिस फोर्स के साथ, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूरी बिल्डिंग की, पूरी मकान की, छत की, फ्लैट की तलाशी करा के उनके हैंड ओवर करके हमें वहां से खुद दिल्ली पुलिस ने हटा दिया था। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं और जो ये जो दिखाई जा रही है, ये सारा वाकया 25 तारीख का था, जब 24 तारीख को खुद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मैं और मेरा परिवार सही सलामत वहां से अलग जगह चले गए, सेफ जगह चले गए। उसके बाद मैं वहां नहीं गया, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं गया। सुबह को सिर्फ वहां गाड़ियां निकालने गए थे, क्योंकि वो भी जो SHO साहब थाना दयालपुर के थे, उन्होंने वो गाड़ियां निकलवाई, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से आग जही चल रही थी तो गाड़ियां बहुत जल्दी आग पकड़ती है, वो गाड़ियां वहां से बाहर निकाली थी। मेरी पत्नी गई थी, जिसने वहां से थोड़ा सा कुछ सामान, कपड़े उपड़े थोड़े से लेके आई थी। इसके बाद हमें किसी ने नहीं किया, ये सब पुलिस की मौजूदगी में उनके सामने चेक होके गया, चेक होके आए थे। वहां पे पुलिस का कब्जा था। कल शाम 4 बजे तक भी वहां, 25 तारीख के 4 बजे तक भी वहां पुलिस का कब्जा था। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि पुलिस फोर्स यहां से धीरे धीरे कम होती जा रही है, तब भी मैंने लगातार जो है 100 नंबर पे कॉल किया, जो कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो मेरे पास मिस्टर आलोक जी ज्वाइंट CP हैं, उनका नंबर था, उनको फोन करके इतला दी कि सर यहाँ का माहौल बहुत खराब है, मैं कल से आपसे कह रहा हूँ कि इस बिल्डिंग के लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है, दोनों तरफ के लोग उसको टारगेट बना कर रखे हैं, यहाँ से पुलिस फोर्स नहीं हटनी चाहिए। अगर पुलिस फोर्स यहाँ से हटती है तो मेरा बिल्डिंग का दोबारा से कोई भी दुरुपयोग हो सकता है, और इसके लिए ये तमाम यहाँ पे जो नुकसान है, जिसमें करोड़ों का माल मशीन लगी है, वो सब जल जाएगा। दिल्ली पुलिस वहां से मौजूद थी और उसके सामने ही वहां से निकले। उसके बाद ये सब कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये तो वही बताएंगे, इसकी जांच के बाद मालूम पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हर तरह की जांच कराने को तैयार हूं, जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। दिल्ली पुलिस जिस तरह का भी सहयोग मुझसे चाहती है मैं करने को तैयार हूं, और जिस व्यक्ति की, अंकित शर्मा, जो कि मैं मीडियम के माध्यम से मुझे उसकी जानकारी मिली है, पर्सनली मैं नहीं जानता, उसकी मौत से मैं बहुत दुखी हूं, उसके परिवार को जो सदमा लगा है उसमें मैं शामिल हूं, और मैं चाहता हूं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे जयू भी सहयोग देना होगा, मैं दूंगा। देखिए, अंकित का परिवार इस वक्त दुखी है, बहुत बड़ी घटना ये हुई है, वो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आरोप है, ये बेबुनियाद है, सरासर इल्जाम है। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर यही कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कपिल मिश्रा, बारिश पठान जैसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन लोगों के बयानबाजी से ही इस दिल्ली के अंदर ये 23 तारीख के बाद में यहाँ पे हिंसा भड़की है। अगर आप बात करते हो प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट को चलते हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जब से इन दो लोगों ने बयानबाजी करी है तब से लोगों ने यहाँ पत्थरबाजी शुरू करी है, और हम जैसे शरीफ लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल नहीं, मैंने बताया जो हमारे सांसद जी हैं संजय सिंह जी, उनसे मैंने गुहार लगाई थी 24 तारीख को कि आप फोर्स भिजवा दीजिए, यहाँ पे बहुत हालत खराब है। मैं कई मरतबा फोन कर चुका हूँ, कोई फोर्स नहीं आ रही है। उन्होंने ही लगातार मुझे लगातार बातचीत की, उन्होंने वहाँ मेहनत करके फोर्स भिजवाई, उसके बाद ही वहाँ मामला 7-8 बजे के बाद शांत हुआ। और 2-3 घंटे लगातार मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी के सीनियर अफसर हैं हमारे AK सिंगला साहब, जो पहले भी यहाँ DCP साहब रह चुके हैं, उनकी निगरानी में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूरे मकान की, पूरी छत की, पूरी बिल्डिंग की, जो घर मेरा है, जो फ्लैट है जिसमें मैं परिवार के साथ रहता हूँ, उसकी चाबी मेरी पत्नी लेके चली गई थी, उस चाबी मांगा के वो भी खुला के पूरा खुलवा के चेक करा है। बिल्कुल, मेरे ऊपर सभी आरोप है, मैं बेगुनाह हूँ। मैं अपने बच्चों की सौगंध खा के कहता हूँ कि इस मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है।